हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोई रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी बनने वाली बेसन की गट्टे की सब्जी। बेसन की गट्टे की जो रेडीमेड गट्टे की सब्जी हम बनाएंगे, उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो है प्याज, जो कि दो मीडियम साइज के हैं, तीन टमाटर, थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया, रेडीमेड गट्टा एंड अदरक लहसुन का पेस्ट। हम पहले कढ़ाई रखकर थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरे को थोड़ा सा भुनने देंगे। और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। जैसे ही हमारा जीरा भुनने लग जाए वैसे हम प्याज डाल देंगे। और प्याज को भून लेंगे। जैसे हमारे प्याज ब्राउन होने लग जाए तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसको फिर भूनेंगे। अब हमारे प्याज ब्राउन होने लग गए हैं तो हम इसमें टमाटर जो मैंने पीस कर प्यूरी बना के रखा होता अब वो डाल देंगे और इसको भूनेंगे। हम टमाटर और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर का जो पानी है वो सूख ना जाए और तेल ना छोड़े। अब टमाटर और प्याज भून चुके हैं, अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। एक चम्मच धनिया, एक चम्मच किचन किंग, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च और मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है। आप इसमें मसाले अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। टमाटर और प्याज और मसाले मिलकर पकने लगे हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे कि हमारा मसाला और अच्छे से पक जाए। और जितना अच्छा मसाला पकेगा सब्जी उतनी ही अच्छी बनती है। अब मसाला पक चुका है, अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए थोड़ी देर रख दूंगी। अब सब्जी में उबाल आने लग गया है, जैसे ही उबाल आने लग जाए तो हम रेडीमेड गट्टे जो है हमारे पास वो हम इसमें डाल देंगे और इसको तब तक बनाएंगे तब तक ये रेडीमेड गट्टा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब हमारी सब्जी बनकर तैयार है, अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हमने इसको धनिया से गार्निश कर दिया और लीजिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।